सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पेपर वन की सीरीज को रन कर रहे हैं, जहां पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को देख रहे हैं पैरेलली। एक दिन में दो बार मॉर्निंग को आपको मिलती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो एंड शाम को आपको मिलती है रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को भी देख रहे हैं और उनको टैकल करने की स्ट्रैटेजीज भी देख रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग धीरे धीरे इन टॉपिक्स में, इन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट होते जा रहे होगे। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू पीपल इज टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे आई हैव गिवन अ पोल कि आप लोग वहां पे जाके पोल करें कि इन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आप लोग पढ़ना चाहेंगे, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। वहां पे पोल गिवन है, आप जब सभी लोग जाके ज्वाइन करके अपना अपना मत दे सकते हैं एंड उसके बाद ही हम लोग मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ये तय करेंगे कि हम लोग का अगला टॉपिक क्या होना चाहिए या फिर आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे कि क्या नए कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लर्नर। कल की क्लास में हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने लर्नर क्या होता है वो जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जाना, कैसे टाइप के लर्नर होते हैं, कैसे कैसे आपके फीचर्स होते हैं एक सक्सेसफुल लर्नर के। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स। भाई बहुत तरीके के हमारे लर्नर्स होते हैं, देन यंग होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, अडल्ट लर्नर्स होते हैं, देन वी हैव फील डिपेंडेंट एंड फील इंडिपेंडेंट लर्नर्स जिनके क्वेश्चंस भी आए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, पर इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगी एंड सीखने को भी मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। नंबर वन है हमारा यंग लर्नर्स। भाई हम लोग जब लर्नर, हम लोगों को कल क्लियर हो गया था कि जो भी इंसान सीखने की कोशिश कर रहा होता है या फिर एक ऐसा इंसान जो कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, स्किल सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लर्नर बोलेंगे। तो लर्नर हम लोग जब छोटे होते हैं तभी से हम लोग लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, यंग लर्नर कहलाएंगे। बहुत ही सीधी सी बात है। यंग लर्नर्स कैन लर्न थ्रू टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, फैमिलीज एंड देयर लाइफ। जो छोटे बच्चे होते हैं जब अपने किसी भी चीज को लर्न करना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि उनकी बातें, उनके कॉन्सेप्ट्स उनके ही चारों तरफ घूमते हैं, मतलब ये दुनिया उनकी ही आंखों से, उनके ही इर्द गिर्द उनको समझ में आती है। बहुत ही अपने ऊपर उनका सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड टाइप का पर्सन है, ऐसे नहीं। जो छोटा बच्चा होता है उसने दुनिया भी देखी तो होती नहीं है, उसको हर सब कुछ लगता है कि ये दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, तो वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, दे आर क्यूरियस टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। आपने बॉर्नवीटा वाली भी एड देखी होगी जिसके अंदर एक बच्चा होता है अपनी माँ से कई सवाल पूछता रहता है, उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा मैं 2 मिनट बाद बताऊंगी, मैं 2 सेकंड बाद बताऊंगी, इसका क्वेश्चन मैं सोच के बताऊं या नहीं। तो हम सभी बच्चे जब छोटे होते हैं, आपके घर में अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपने देखा होगा वो बड़े सवाल पूछते हैं, क्योंकि दुनिया की समझ तो उनको होती नहीं है, जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने आता है वो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वी से दैट यंग लर्नर्स are very very curious। भाई बिल्ली क्यों रो रही है, आसमान हमारा काला क्यों दिख रहा है रात को, सुबह को सफेद क्यों दिख रहा है, ये नीला रंग कहां से आता है, आपका चंद्रमा गोल है, तो कल तो ऐसा था, ये ऐसा हो गया, मतलब you get so many questions from an young learner। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा, दे लाइक टू यूज देयर इमेजिनेशन एंड टू डिस्कवर थिंग्स। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और नई नई चीजों को ट्राई एंड डिस्कवर करते रहते हैं। देन दे नेचुरली नीड टू टच, सी, हियर एंड इंटरैक्ट एंड लर्न। अगर आपको याद होगी हम लोग ने बहुत ही इन्फेंसी वाली स्टेज में कई सारे थ्योरिस्ट की अगर हम लोग ने थ्योरीज देखी थी, वहां पे आई टोल्ड यू कि जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चीज पे यकीन ही किसी चीज को टच करके अपने सेंसेस से फील करके कर पाते हैं, क्योंकि इतने बच्चे को अभी दिमागी और मन की समझ नहीं होती है, वो पूरी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने सेंसेस पे। वो छुएंगे, वो मुंह में डालेंगे, हर चीज को छू के पता लगा के ही वो अपने लर्निंग पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये सारे बेटा कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को पता तो होते हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को याद रखने पड़ते हैं। बिकॉज देयर अटेंशन स्पैन इज वेरी लिमिटेड, दे नीड एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू नॉट टू लूज इंटरेस्ट। आप कभी भी किसी बच्चे को देखिए, थोड़ी देर वो एक एक्टिविटी में इंडल्ज रहेगा,
दूसरे ही वक्त वो दूसरा कुछ करने लगेगा। मतलब एक छोटे से बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि पूरा दिन पेरेंट्स जो होते हैं वो अल्ले लेले करते रहते हैं, कभी फोन पकड़ा देंगे, कभी उनको नाच के दिखाएंगे, कभी उनको कहानियां बताएंगे। छोटे बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया चाहिए ही होता है, उनको एंटरटेन करने में ही माँ बाप का जीवन बीत जाता है। तो ये हुआ हमारा यंग लर्नर। अब हम लोग चलेंगे एडोलेसेंट लर्नर, जिसको हम लोग किशोरावस्था के टाइम की टाइम स्पेंड कहते हैं। इसमें आपका जो बच्चा होता है वो टीनेजर बन चुका होता है, एंड हम सब लोग टीनेजर वाले दौर से गुजर के आ चुके हैं। दुनिया, हम लोग को लगता था कि इस दुनिया में हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम लोग को जो कुछ भी बताया जाता था हम लोग को वो गलत लगता था। कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल चीजें जो हम लोग को टोकी जाती थी कि ऐसा मत करो या तुम्हारी सोच गलत है, हम लोग को वो उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और सब कुछ गलत लगता था। तो जब भी एक बच्चा टीनेज एज में चला जाता है, तो सबसे important thing that you have to keep in mind is they are in search for personal identity. The moment we become or see ourselves as teenagers, हम लोग अपने से नीचे के बच्चों को देखते हैं teenage की age में, अपने से बड़ों को देखते हैं कि यार इन लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी है, adult हो गए हैं भैया, बड़े बढ़िया, ये लोग girlfriend बना सकते हैं, ये लोग घूम सकते हैं, ये लोग pub जा सकते हैं, ये लोग तो पैसे भी कमाते हैं। एक teenage बच्चे की exactly यही thinking होती है। फिर कभी-कभी वो एक छोटे बच्चे को देखते हैं और सोचते हैं यार इसका इसका बढ़िया जीवन है, बड़ा लाड प्यार इसको मिल रहा है, जो मांगता है उसको मिल जाता है, अभी तो उसको किसी भी बात की टेंशन ही नहीं है। तो टीनेज हमेशा आपका टी से टीनेज होता है, एंड टी से बोलते हैं कि ये टर्बुलेंट एज होती है। मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति जब बिल्कुल अपने टीनेज किशोरावस्था में होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर कि मैं कौन हूँ, मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, ये उसका सबसे पहला सवाल होता है। They are in need of activities that meet their needs and learning expectations. वो नई नई activities को try करने की कोशिश करते हैं। इसी एज में हम लोग स्कूटी चलाना सीखेंगे, इसी एज में हम लोग कई सारी activities करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। They become disruptive when they lose interest in the lesson or feel bored. टीनेज जो एज होती है बहुत ही, इसमें भी आपका ध्यान जो है इधर उधर भटकता रहता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो अगर आपको टीनेज एज में किसी कोई लेसन नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप बोर हो रहे हो, तो आप उससे तुरंत इंटरेस्ट अपना खो दोगे और फिर उसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। दे नीड टू हेल्प एंड सपोर्ट, दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर एंड टू बी प्रोवाइडेड विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपकी जो टीनेज एज में बहुत ज्यादा हेल्प एंड सपोर्ट की आपको जरूरत होती है। इसी टाइम पे कहा जाता है कि You can either make your personality or you can break your personality. तो इस टाइम पे अगर आपको कोई constructive feedback देता रहता है, आपको आश्वासन देता रहता है कि हाँ तुम सही रास्ते पे हो, तुम सही कर रहे हो, yes you can do that, तो वो बहुत अच्छा adult learner जाके बन जाता है। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं adult learner पे। adult कौन हुए? हम और आप। आप और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अब बन चुके हैं। हम लोग को अपने जीवन में क्या करना है हम लोग को पता है। अब पेरेंट्स हम लोग को नहीं बताते हैं, हम लोग अपना जीवन खुद देख लेते हैं, हम लोग अपना खाना पीना खुद देख लेते हैं। जिनकी जॉब लग गई है वो लोग कमाते हैं, तो घर को भी अपने सपोर्ट करते हैं। अडल्ट लर्नर आपका टीनेज से ऊपर हो जाता है। अडल्ट आर मोर डिसिप्लिन्ड दैन अडोलेसेंट्स, दे हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जैसे आप सभी बच्चे हैं, आपको पता है कि भाई मुझे नेट का पेपर क्लियर करना है, कोई आपको बाहरी तरीके से नहीं बता रहे कि तुम्हें करना है करना है, पेरेंट्स नहीं बताते हैं। अब हम लोग को खुद से ही पता है कि नहीं यार मुझे अपने जीवन के लिए कुछ करना है। एंड जब खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आ जाती है, तो हम लोग खुद ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप में से सारे बच्चे समय से उठ जाते होंगे, समय से पढ़ाई करते होंगे, समय से क्लासेस करते होंगे, समय से क्वेश्चंस लगाते होंगे, समय से सो जाते होंगे। आपको टीनेज एज की तरह आइडेंटिटी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड आपको कोई बाहरी तरफ से फोर्स नहीं करता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। दे नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन चूजिंग व्हाट एंड हाउ टू लर्न, दे प्रेफर टू रिलाई ऑन देमसेल्व्स एंड वर्क ऑन देयर ओन पेस। आप में से कई सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं, हम लोग अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों को अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना पसंद है। कोई बाहरी टीचर ना बताए कि भैया तुम इतने बजे क्लास में आ जाना, तुम इतने से इतने बजे तक तुम्हें मेरे साथ रहना है,
आई ऑल्सो सी दिस थिंग कि मेरा वीडियो जब लाइव होता है, प्रेमियर होता है, तो आप लोग बहुत ही कम बच्चे उस टाइम पे आते हो, बट देन शाम तक कई सारे बच्चों ने वो वीडियो देख लिए होते हैं। इससे मुझे खास मतलब समझ में आ जाता है कि बच्चे अपने पेस पे पढ़ाई करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं इस टाइम पे फ्री हुआ हूँ या हुई हूँ तो मैं ये वीडियो देख के नए कॉन्सेप्ट को पढ़ लेती हूँ, विच इज कम्प्लीटली ओके। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। दे कम टू द क्लासरूम विद अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, expectations and experience. सारे बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। नेट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेशर बच्चे चले आए हैं, और अगर फ्रेशर भी हैं तो उनको अपने पुराने जीवन की कई नॉलेज होती है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ ये बच्चे किसी भी चीज को लर्न करते हैं। आप लोग के अंदर इस वक्त बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि मैं आऊं तो मेरा एक मिनट का वक्त वेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट भी मिलना चाहिए, मैम मुझे क्वेश्चंस भी करा दे, एंड बस पक्का करा दे कि मैम ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा वो आएगा ही और मैं कर ले जाऊंगा। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस एक अडल्ट लर्नर की होती है, एडोलेसेंट की नहीं। देन आपके खुद की भी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप में से कई सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं जो अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हैं या वो क्या फील करते हैं वो बताते हैं। तो आप लोग अडल्ट लर्नर्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कुछ भी ऐसा कठिन नहीं होगा, आज आपको फील हो रहा होगा कोई ऐसा कठिन कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और ये सभी बच्चों को आता भी होगा। बस ऐसा होता है कि कोई बस पढ़ाने के नजरिए से जब पढ़ाता है तो वो ज्यादा आपको रेलेवेंट लगता है। अब हम लोग बात करेंगे दो और टाइप्स ऑफ लर्नर की, जो कि है हमारे फील्ड डिपेंडेंट या फिर फील्ड इंडिपेंडेंट। अब इसको वो मत समझ लेना जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी फील्ड वाली जॉब है, मतलब कि हम लोग को फिजिकली जॉब करनी पड़ती है। यहाँ पे फील्ड का मतलब है आपका कॉन्टेक्स्ट या आपकी सराउंडिंग। सम पीपल आर मोर एंड सम पीपल आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट व्हाइल परफॉर्मिंग अ स्किल और लर्निंग। आप में से बहुत सारे बच्चे फील्ड डिपेंडेंट होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। अब क्या फर्क है दोनों में? फील्ड डिपेंडेंट मतलब कि वर्ड से ही समझ में आपको आ जाना चाहिए, ये वाले टाइप के जो लर्नर होते हैं ना वो टीचर पे बहुत ज्यादा आपके आश्रित होते हैं, एंड एक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग ये लोग पढ़ना चाहते हैं कि भाई मेरा सिलेबस ऐसा ऐसा होना चाहिए, मुझे नंबर वन नंबर टू स्टेप्स में आप बिल्कुल पढ़ाइए, एंड टीचर ने ये काम दिया है मुझे, ये टास्क दिया है मुझे करके ही आना है, एंड कल मुझे मैम को दिखाना है, एंड ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फील्ड डिपेंडेंट हमारे लर्नर्स होते हैं वो टीचर से अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, जो टीचर बताती है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं, अपना दिमाग लगाने में ये लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। जो मैम ने बस बता दिया जी मैम करेंगे और फिर उसी को ही फॉलो करेंगे, अपना दिमाग अपनी लॉजिकल थिंकिंग ये लोग नहीं लगाते हैं, टीचर की तरफ से मिले हुए टास्क होमवर्क करना ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई मैम है मैम बताएंगी हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? वहीं बेटा दूसरी तरफ आपके फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर आते हैं जो कहते हैं कि भैया काम की बात बताओ बाकी सब हम देख लेंगे, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो हम लोगों को पता है, आप बस थोड़ा सा हम लोगों को बता दीजिए ऊपर ऊपर से एंड बाकी हम लोग देख लेंगे। तो फील्ड इंडिपेंडेंट जो हमारे लर्नर्स होते हैं वो ऑटोनॉमी प्रेफर करते हैं, उनको आप थोड़ी सी बस गाइडेंस दे दो एंड वो अपनी लर्निंग को खुद ही डायरेक्ट कर लेते हैं कि अब मुझे पता है, आप बस मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आने वाला है, बाकी मैं खुद ही कॉन्टेंट ढूंढ के पढ़ लूंगा, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स टेंड टू रिलाई ऑन स्ट्रक्चर एंड रिसीविंग डायरेक्शन। इनको आप डायरेक्शन देते रहते हो कि बेटा कल तुम लोग को ये पढ़ के आना है, कल इसके क्वेश्चन लगा के आने हैं, मैं कल इसका टेस्ट लूंगी, ये तो पूरा इससे आपको लिख के लाना है। तो ये डिपेंडेंट लर्नर्स हो गए, वेयर इज इंडिपेंडेंट लर्नर्स मुझे बस बता दो मैं देख लूंगी और मुझे अपना खुद ही पास कर लूंगी मैं पेपर। तो ये फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स हो गए। कुछ भी कठिन नहीं था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज की क्लास को करके। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट लर्नर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है? पॉइंट नंबर वन, दे आर मैच्योर लर्नर्स, जो कि मेरे हिसाब से सही है। दे एक्ट रैशनली, वो बहुत ही दिमाग से बुद्धि से रैशनली लॉजिकली काम करते हैं, जो मेरे हिसाब से सही है। देन
They search for a reasonably stable identity. क्या आपके adult learners identity खोजने का काम करते हैं या फिर adolescent learners करते हैं? तो ये नहीं होगा. And क्या हम लोग को नहीं वाले option को हटाना है या रखना है? Not वाला ही तो बताना है हम लोग को. तो ये हम लोग का point number one answer मिल गया, जो कि है C. अब मुझे जहां जहां C नहीं दिखाई देगा, मैं उसको सबसे पहले तो कट कर दूंगी. ठीक है, CE होगा या CD होगा. डी देखो, दे कैन मेक बैलेंस चॉइसेस. आपके एडल्ट लर्नर्स क्या बैलेंस चॉइसेस अपनी बना सकते हैं? जी हाँ, वो अपने लिए खुद ही अपने मतलब बैलेंस को बना सकते हैं. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया. ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यूज. क्या आपके एडल्ट लर्नर्स ट्रेडिशनली जो उनको बताया जाए, जो टोका जाए, समझाया जाए, क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि नहीं मैं अपने तरीके से कर लूंगा? नहीं, अडल्ट में अडल्टहुड में आने आने तक उनको सही और गलत की समझ हो जाती है. ये दोनों ही आपकी किस चीज को शो कर रहा है हम लोग को? अडोलेसेंट लर्नर की चीजों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा शो कर रहा है. तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? सी एंड ई वाला हमारा आंसर बन जाता है. इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में दिमाग लगाते हुए बिना प्रेशर लगाए जो क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा करते चले जाना है. मेरे साथ रोज क्वेश्चंस लगाओ, बार बार वीडियोस देखो. आई कैन गिव यू इन रिटन की ट्रस्ट मी, आप लोग की जो क्वेश्चंस को देखने की जो बिल्कुल नजर है ना, वो अभी तक मेरे हिसाब से बदल गई होगी. अगर ऐसा हुआ है तो मुझे एक बार इस बारे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हाँ मैम, हम लोग को फर्क पड़ा है. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि यही एक जरिया है कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स जान सकती हूँ, एंड उसके बाद उनके ऊपर मैं और अच्छा बेहतर काम कर सकती हूँ. तो मुझे जरूर से बताना. ठीक है, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं. What are the characteristics of field-dependent learner? हमारे जो field-dependent learners होते हैं, उनको क्या आपकी characteristics होती हैं? ठीक है, personalizes your curriculum. आपके इनको बहुत ही structured तरीके से आपका curriculum चाहिए होता है कि मैम जी structured तरीके से curriculum हम लोग को बता दें एंड स्टेप्स में हम लोग को ये सिखा दें तो हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे. पॉइंट नंबर बी, रेयरली सीक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द टीचर. आपके जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं वो लोग तो टीचर पे ही आश्रित होते हैं, तो ये पॉइंट कह रहा है कि उनको रेयरली टीचर की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड जैसे ही बी मेरा मतलब कट जाएगा, मैं वो सारे ऑप्शन को कट कर दूंगी जहां पे आपका बी आ रहा था. ठीक है, तो हम लोग का ए बी सी बी सी डी एंड अब हम लोग के पास सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर सी को देखेंगे हम लोग. सीक्स गाइडेंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस फ्रॉम टीचर्स. आपके जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं, क्या उनको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल उनको पड़ती है. इनको गाइडेंस चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए आपकी टीचर से, तो ये तो बिल्कुल आपका सही बैठता है. ए और सी हम लोग का ये वाला आंसर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है. डी को भी देखेंगे. लाइक्स टू कोऑपरेट. आपके जितने भी जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं वो कोऑपरेशन, साथ में मिलजुल के ना कोई बता दे, कोई साथ दे दे, इस पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान होता है. तो ये हम लोग का आंसर बन गया जो की है ए सी एंड डी. बहुत ही इजी था. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स कौन होते हैं, आपको ये पता है तो आपके तुरंत आंसर निकल जाएंगे. चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल. आपसे क्वेश्चन को घुमा के बस फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की ही बात पूछी गई है. सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. क्या आपके फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं? ये आप बताइए. दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग करके देखो. रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस. क्या आपके फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन से रिलेट करते हैं? ये आप लोग बताइए. फॉर्मल इंटरैक्शन विद द टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड. आपके जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं उनको फॉर्मल इंटरैक्शन चाहिए ही चाहिए होता है आपकी टीचर का. पॉइंट नंबर थर्ड तो बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए. इसी वजह से मुझे पॉइंट जहां पे पॉइंट नंबर थ्री नहीं दिखेगा, मैं उसको कट कर दूंगी. ठीक है, तो अब या तो आपको आंसर होगा 1, 2 या 3, या फिर होगा 2nd, 3rd या 5th. ठीक है, सेकेंड हम लोग ने देख लिया कि रिलेट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. थर्ड हम लोग ने देख लिया इनको टीचर का भाई साथ तो चाहिए ही चाहिए होता है. अब हम लोग को डिसाइड करेगा पॉइंट नंबर 5. प्रेफर करते हैं ये कोऑपरेट करना रैदर देन कम्पीट. आपके फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स
कोऑपरेट करना पसंद करते हैं या फिर कम्पीट करना। तो आपको पता है कि भाई साथ, भाईचारा, कोई मदद कर दे, कोई साथ दे दे, इस पे इन लोगों का बड़ा ध्यान होता है। तो सीधा सीधा हम लोग को आंसर हमारा क्या मिल गया, हमारा आंसर है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बेटा आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्जाम में परेशान ना होना अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, मुझे ये वाला भी डाउटफुल लग रहा है। आगे आपको जरूर एक ना एक या दो आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आपको देख के बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि हाँ यार ये तो मैम ने बताया था, पूरी ही बिल्कुल अननोन चीज नहीं आएगी। तो ये तरीका अपनाना और एग्जाम सेंटर में परेशान मत होना, कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है बेटा। ठीक है, पढ़ाई को दुनिया ने बहुत कठिन बना दिया है जबकि इतनी कठिन चीज नहीं है। अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए और सही बच्चे हों उसको ग्रहण करने के लिए, तो सच में आपकी कोई भी पढ़ाई कठिन नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बस आपको एक अच्छे गाइड करने वाले इंसान की जरूरत होती है, एंड ऑफकोर्स आपकी मेहनत तो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। ठीक है, द टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट सूटेड to deal with students who in terms of performance readiness level are in category of able but unwilling। याद है हम लोग ने कल वाली क्लास में ऐसा ही कुछ सेम क्वेश्चन किया था जहां पे पूछा गया था कि अगर आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो अनेबल है बट आपका विलिंग है, कहने का मतलब कि वो कोई काम कर नहीं पा रहा है लेकिन करना चाहता है, तो टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएगी। तो हम लोग ने देखा था कि टीचर उसको बहुत ही आसान आसान काम देगी, एरर फ्री टास्क देगी, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंट आने लगे और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। अगर आप लोग को, सब लोग को ये क्वेश्चन याद होगा, हम लोग ने कल की क्लास में देखा था। यहाँ पे देखो सेम उल्टा क्वेश्चन आपके नेट वालों ने पूछा है कि आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा है जो एबल है, मतलब बच्चा वो बहुत होशियार है, उसको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहता है, बिल्कुल इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का उल्टा, तो टीचर यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाएगी। देखो नंबर वन, असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क एंड डेलीगेशन ऑफ रोल्स, उसको कहेंगी कि भाई हम तुमको बहुत कठिन टास्क देंगे और उसको नए नए रोल प्ले करने को बोलेगी। देन उसको इन्वॉल्व करेगी टास्क में और प्रोवाइड करेगी सोशियो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्निशन, क्या उसको सोशियो इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेगी और उसको रिकॉग्नाइज कराएगी कि भाई मैं तुम्हें मॉनिटर बना देती हूँ, मैं तुम्हें क्या कहते हैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे एबल होते हैं उनको मतलब रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर उनको मेंटरिंग या गाइडिंग करेगी, क्लोज सुपरविजन करेगी। भाई ये तो कमजोर बच्चे के लिए किया जाता है, ठीक है, ये कमजोर बच्चों को किया जाता है कि बगल में जाके देखना, समझाना, मेंटरिंग करना, तो ये एबल बच्चे की तो निशानी नहीं है क्योंकि वो तो बड़ा तेज है। कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड सॉफ्ट, ये तो वही वाला ऑप्शन हो गया कि एरर फ्री छोटे छोटे बच्चों वाले टास्क दे ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंट फील हो। तो इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लग रहा है उस बच्चे के लिए जिसको आता सब है लेकिन वो काम चोरी करता है, करना नहीं चाहता है। तो आप उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे, उसको कुछ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो शायद वो एबल फील करने लगे। तो आपका आंसर बन जाएगा इन्वॉल्विंग इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशियो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्निशन, उसको सपोर्ट थोड़ा सा प्रोवाइड किया जाएगा इमोशनली एंड सोशली, एंड देन उसको कहा जाएगा कि भाई तुम मॉनिटर बन जाओ, तुम क्लास को मैनेज करो, तो ताकि उसको अच्छा फील हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा हम लोग के जीवन से जुड़े हुए हैं लेकिन बस इसको थोड़ा बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत लगती है हम लोग को। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई आसान हुई है मेरे जरिए तो जरूर से इसको लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, काफी बच्चे क्लास में आते हैं, पूरी क्लास करते हैं, ये एल्गोरिथम ये चीजें हम लोग को यूट्यूब प्रोवाइड करता है कि आपकी वीडियोज को बच्चे पूरा देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। हम लोग की इतनी मेहनत को आपके एक क्लिक से थोड़ा सा पुश मिलता है, आपके जो YouTube होते हैं उसको ये मिलता है सोचने में कि अरे इस वीडियोस को पसंद किया जा रहा है तो वो इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो जरूर से लाइक कर दिया करिए, देन आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आप लोग को क्या फील होता है, क्या आप लोग को थोड़ा सा भी अपनी पहली कंडीशन से कॉन्फिडेंट फील हुआ है कि नहीं यार टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे अब समझ में आने लगा है, मेरे क्वेश्चन अब निकलने लगे हैं। देन आप लोग शेयर कर सकते हैं
हैं इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों या कई ग्रुप्स में आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लगता है आप इसको शेयर कर सकते हैं. देन ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यू नीड टू गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. सारे बच्चे जाना एंड वहाँ पे जो आपका पोल किया गया है चाहो तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हो, ICT पढ़ना चाहते हो, PNV पढ़ना चाहते हो आप लोग, या फिर आप लोग राइटिंग. अरे ये थोड़ी सी हिल रही है, ठीक है. तो ये चारों चीजें हैं, इसमें से आप लोग क्या नेक्स्ट अब पढ़ाई करना चाहते हो जब ये खत्म हो जाएगा हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं अगेन कल फिर नए किसी कॉन्सेप्ट के साथ और कई सारी हम लोग के क्वेश्चंस के साथ. सो बाय एंड टेक केयर.